वी नेचुरल चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपकी कोई इच्छा है, अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई प्रार्थना है जिसको आप लेकर बहुत परेशान हैं, काफ़ी समय से आप किसी चीज़ के लिए परेशान हो रहे हैं, आपकी कोई इच्छा है जिसको वो पूरी नहीं हो रही है, बहुत सारे प्रयास कर लिए, बहुत सारी मेहनत कर ली, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आज मैं आप लोगों के साथ में एक उपाय शेयर करने वाली हूँ, एक टेक्निक शेयर करने वाली हूँ जिसको करके आप अपनी इच्छा को बहुत ही आसानी से पूरी कर सकेंगे। मात्र 21 दिनों में आपको अपनी इच्छा पूरी होने से रिलेटेड रिजल्ट दिखने लग जाएंगे। तो कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, ये पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं, मगर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेक श्योर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकॉन है उसे भी हिट कर लीजिए, ताकि इसी तरह से मेरे वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहें और आप कोई भी जानकारी मिस ना कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। या दोस्तों, तो ये जो मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ, इसमें आपको लेना है लाल धागा, ठीक है, लाल लच्छा, ये इस प्रकार का, या तो आप इस तरह का सूती वाला लच्छा भी ले सकते हैं, या फिर आप इस तरह का धागा भी ले सकते हैं, ठीक है, इस तरह का, दोनों तरह में से किसी भी तरह का, रेशमी भी ले सकते हैं, सूती भी ले सकते हैं, ठीक है, इस तरह का आपको लच्छा ले लेना है। आपको लच्छा कितना लेना है, आपके यहाँ से लेके कोहनी तक 7 बार आ जाए, ठीक है, मतलब 7 बार इतना आप काउंट कर करके और उतना आपको धागा ले लेना है, ठीक है। ये जो टेक्निक मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, मुझे इसके रिजल्ट मिल ही जाते हैं, मतलब मेरी सभी इच्छाएं इसी टेक्निक से पूरी होती है, इसीलिए हाथों में इतने सारे धागे बांधे हुए हैं, ठीक है। तो आपको भी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इस तरह के धागे का इस्तेमाल करना है। धागा कितना लेना है, इस यहाँ से, मतलब हमारे हाथ की शुरुआत से लेके कोहनी तक का 7 बार आप नाप ले, इतना आपको धागा ले लेना है, ठीक है। धागा आप जब ले लेंगे, तब आपको अब इसको कैसे करना है, इस प्रोसेस को हमें कैसे करना है, आपके घर में जो पूजा का स्थल है, जहाँ पर आप पूजा करते हैं, घर का कोई भी ऐसा स्थान, ठीक है, घर में कईयों के किचन में ही मंदिर होता है, कई लोग सिर्फ तस्वीर लगाए होते हैं, तो घर में जहाँ पर भी पूजा का स्थान है वहाँ पर इस धागे को आप रख दें, ठीक है। ज़रूरत है सिर्फ एकांत की, ठीक है, ऐसा इस प्रोसेस को जब आप करेंगे, आपको ध्यान रखना है आपके आसपास कोई ना हो, कोई भीड़ ना हो, सिर्फ आप हो और आपकी शांति हो, ठीक है, मतलब कोई भी आवाज़ वगैरह ना आए, आपका दिमाग बिल्कुल शांत रहे, कोई भी डिस्टर्बेंस आपको ना हो, इस ऐसे टाइम पर आपको इसे करना है, ठीक है। क्या करना है, अकेले में शांति से आप अपने घर के जो मंदिर है वहाँ पर इस धागे को रख देंगे। अब आपको सबसे पहले तो अपने भगवान को, आपके इष्ट को, उन्हें याद करना है, उनका आह्वान करना है, आंखें बंद करके अपने भगवान को आप शत शत नमन करेंगे, दिल से धन्यवाद अदा करेंगे, आपके पास में जो है, जो आप फील कर रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, जो कमी महसूस कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए आप सांसें ले पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए आप पहले अपने भगवान को धन्यवाद दें, आपको जो जो उन्होंने दिया है उसके लिए दिल से धन्यवाद दें। धन्यवाद सिर्फ ऐसा नहीं कि मेरे कहने पर दें, धन्यवाद पूरे दिल से आप भगवान को दें। उसके बाद में आपकी जो इच्छा है, ठीक है, एक बार में एक ही इच्छा को लेकर इस प्रोसेस को हम करेंगे, तो जो भी आपकी इच्छा है उसको आप प्रेजेंट फॉर्म में बोलेंगे। मान लीजिए आपको इसी एग्जाम पास करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस एग्जाम का नाम बोलेंगे, आपको कितने नंबर चाहिए, ठीक है, भगवान को और खुद को कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है, एग्जैक्ट उस परीक्षा का नाम बोलना है, कितने नंबर चाहिए ये भी बोलना है, और इस तरीके से बोलना है जैसे आपको मिल चुके हैं। मान लीजिए मैं रीट को पास करना चाहती हूँ, रीट एग्जाम को मैं पास करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ उसमें मेरे 135 मार्क्स आए, ठीक है, तो मुझे कैसे कहना है, थैंक यू भगवान, थैंक यू, आपने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ मेरे पास में है, आज मेरी सांसें चल रही है, ये सब आपकी की देन है भगवान, मेरी बहुत सारी इच्छाएं आपने पूरी की है, मैं जानती हूँ मैं रीट एग्ज़ाम पास कर चुकी हूँ, मैं रीट एग्ज़ाम पास कर चुकी हूँ, मेरे 135 मार्क्स आ चुके हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये चीज़ मुझे महसूस करा दी है कि ये मुझे मिल चुका है, बस अब इसे मैं देखना चाहती हूँ, बस अब मैं इसे देखना चाहती हूँ, बस मैं इसे देखना चाहती हूँ, बस इतना आपको कहना है, फिर से आपको कहना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान, ये सब देने के लिए थैंक यू। आंखें खोलनी है और वो जो हमने धागा लिया है उसमें आपको एक जो मैं नंबर बता रही हूँ, इस नंबर को बोलते हुए आपको उसमें 7 नॉट बांध लेनी है, ठीक है, पूरे धागे में 7 गठान बांध लेनी है, और क्या बोल के बांधनी है ये भी मैं आपको बताती हूँ। एक गठान बांधेंगे और आप बोलेंगे 1176, थैंक यू, आपने मुझे मेरी जो भी आपकी इच्छा है वो दे दिया है,
एक गठन बांध दी, फिर दूसरे गठन बांधेंगे 1176 थैंक यू मुझे ये चीज मिल चुकी है, 1176 थैंक यू मुझे ये चीज मिल चुकी है, 1176 थैंक यू मुझे ये चीज मिल चुकी है। ऐसा आपको 7 बार बोलना है और 7 बार गठान बांधनी है। जब वो गठान पूरी बंध जाएगी, उस पूरे धागे में 7 गठान आप बांध देंगे। आप चाहे तो पास पास बांधे, आप चाहे तो दूर दूर बांधे, ठीक है, बांध ले। और उसके बाद में आपको इस धागे को अपने हाथों पर लपेट लेना है, ठीक है, हाथों पर उसे बांध लेना है। ये जिस तरह से मैंने बांध रखा है, इस तरह से आपको बांध लेना है। अब यहाँ पर मैंने 3-4 धागे बांधे, तो आप ऐसा ना करें, आप एक बार में, अगर आप नए हैं, बिगिनर हैं, अगर आप इस प्रोसेस को पहली बार कर रहे हैं, तो एक बार में एक ही विश को लेकर एक धागा बांधें, ठीक है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आपकी इच्छाएं पूरी होने लग जाएगी, तब आप एक साथ 3-4-5 इच्छाओं को लेकर धागे बांध सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने फिलहाल अपनी 2 इच्छाओं को लेकर धागे बांधे हुए हैं, तो जितनी जल्दी पूरी हो जाएगी, ये धागे उस टाइम खुल जाएंगे। तो इस तरह से आपको उस धागे को अपने हाथों में बांध लेना है। बांधने के बाद में बस आप भूल जाए, ठीक है, फिर आप निश्चिंत हो जाए, फिर आप बार बार उस चीज़ के बारे में सोचेंगे नहीं, बार बार उस चीज़ को दोहराएंगे नहीं, सिर्फ उस चीज़ को मिलने के लिए, आपका जो इच्छा है उसको पूरी होने के लिए, आपको जो काम करना है, आपका जो कर्तव्य है, आपका जो कर्म है, वो आपको करना है। आप खुद देखेंगे आपको सफलता मिलती जाएगी। अगर आप लव रिलेशन में हैं, अगर आप अपने प्यार को पाना चाहते हैं, तो उसको पाने के लिए जो जो आपको एक्शन करना है वो आप करें, आपको उसके लिए रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आप इस प्रोसेस को जैसे मैंने बताया, फुल पॉजिटिविटी के साथ में, फुल विश्वास के साथ में, पूरी श्रद्धा के साथ में, अपने ईष्ट पर, अपने भगवान पर विश्वास रखते हुए कीजिए, आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। और जिस दिन रिजल्ट मिलेगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर कई सारे मेरे जो सक्सेस स्टोरी मुझे मेरे जो फॉलोअर हैं शेयर करते हैं, मैं आप लोगों के साथ में वो शेयर करती हूँ। आज की जो सक्सेस स्टोरी मैं बताने वाली हूँ, जिसका नाम लेने वाली हूँ, वो है अपूर्वा शर्मा। इन्होंने मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की है। वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो मैंने आपके साथ में शेयर की थी, उससे उन्हें बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है। उनके चेहरे पर जितने दाग थे, धब्बे थे, ये सब दूर हो चुके हैं। उन्होंने अपने चेहरे की ब्यूटी बढ़ाने के लिए, अपनी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए इस वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज़ किया था। वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या है, कैसे करते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं, तो मैं आई बटन पर आपको लिंक प्रोवाइड दूंगी, वो आप देख सकते हैं। अपूर्वा शर्मा ने इस चीज को फॉलो किया, इस टेक्निक को फॉलो किया, और आज 21 दिन उन्हें जब जैसे ही पूरे हुए, उन्हें रिजल्ट दिखा मात्र 21 ही दिनों में। बड़ी बड़ी जो ब्रांड्स होते हैं, ब्रांडेड क्रीम होते हैं, जो रिजल्ट नहीं दिखा सके, वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक से उन्हें रिजल्ट मिल गया। तो ये है रिजल्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। तो आप भी इसे ज़रूर देखिएगा, और ये जो मैंने प्रोसेस बताई धागे पर नॉट बांधने वाली, ये भी आप कीजिए। 21 दिनों में आपको भी रिजल्ट मिलेगा, और जब रिजल्ट मिले आप भी अपना फीडबैक मेरे साथ में शेयर करें, हो सकता है आपका भी नाम चैनल पर आ जाए। अगर आप कहेंगे तो नाम लिया जाएगा, अगर आप मना कर देंगे तो आपका नाम नहीं लेंगे, पर सक्सेस स्टोरी ज़रूर बताएंगे कि किसी के साथ ऐसा हुआ। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगी आपसे नई किसी जानकारी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय।